और ये दोनों आप भी नहीं। हो अच्छा महमूद भाई जो है ना हमारे वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या आ रहा है लेकिन सही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है वाकई। वेरी गुड वेरी गुड। ये इंतहाई एक्टिव आदमी, इन त्योहारों पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, पहली सफ में मिलेंगे और पंक्चुअल, वादे के पासदार आदमी, पाबंद आदमी। और आज तक ये मैं अल्लाह लेलान टेलीविजन पे बता रहा हूँ, बहुत सारे सनाखानों ने खड़े होकर हाथ उठाकर गवाहियां दी हैं कि जी कोई साबित कर दे हमने आज तक पैसे मांगे उनाथ के, लेकिन उनसे साबित हुए। लेकिन वल्ला मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई एक शख्स आज तक कह दे कि महमूद अलहसन अशरफी ने कभी किसी से पैसों का मुतालबा किया हो, वल्ला आपसे कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, ये अल्लाह का शुक्र है। इनके वालिद की तरबियत भी है और इन और ये एक तरबियत याफ्ता, एक बावकार, एक सलीका मंद सनाखा है और हमारा इनसे प्यार है। लेकिन मेरा इनसे जो प्यार है ना वो अलग ही, नाज़रीन को भी पता, सबको पता है। लेकिन ये हकायक हैं जिनसे आज मैं लाइव दुनिया के सामने अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा उठा रहा हूँ। ये बड़े छुपे हुए जिसे कहते हैं ना कि दरवेश टाइप नौजवान है, अल्लाह ताला इनको और इनकी रियाजतों में, इबादतों में अल्लाह मजीद इनको इस्तकामत दे, दवाम दे, हमें भी नसीब करे इनका तरीका अल्लाह ताला। ये वक्त के पाबंद, वादे के पाबंद नहीं मिल जाती, सही बात, ऐसे नहीं मिलती, उसमें कुछ, इनकी कुछ, बहुत मेहनत। और सर मेरा भी एक माशाल्लाह देरी ना ताल्लुक अलहाज महमूद हसन अशरफी भाई से रहा, तो मैं आपकी बात की मुकम्मल तायद करता हूँ कि एक वाकई दरवेश आदमी है माशाल्लाह। हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा, इब्ने इंशा के शेर का मिसरा है। खैर महमूद भाई, आप इतना महमूद भाई हैरान भी ना हो।